काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का दिन, गुरु की वंदना और उन्हें नमन करने का दिन है। आज सारे लोग देश भर में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु के बिना हमारे जीवन में मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता। गुरु किसी भी उम्र का, किसी भी समय मिल सकता है। कोई भी घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है जो हमें सीख दे जाए, वो भी हमारे लिए गुरु की तरह काम करती है। आज हम बात करेंगे गुरु की महिमा पर, गुरु की परंपरा पर, और गुरु शिष्य की जो परंपरा है उस पर भी हम बात करेंगे। गुरु महिमा और गुरु परंपरा पर हम बात करें, उसके पहले हम देख लेते हैं गुरु के लिए एक छोटी सी श्रद्धा रिपोर्ट। गुरु जो अज्ञानता को दूर करे, गुरु जो जीवन जीने की कला सिखाए, गुरु जो शिक्षा का महत्व समझाए, इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा को देश भर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन महाभारत और चार वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जिन्होंने चारों वेदों की व्याख्या की। देखा जाए तो अनपढ़ मनुष्य किसी भी सभा में उसी प्रकार अशोभनीय होते हैं जैसे हंसों के बीच बगुला। खुशहाल जीवन जीना हर कोई चाहता है, लेकिन इस जीवन को सही मार्गदर्शन गुरु ही दे सकता है। इसीलिए जीवन में गुरु का महत्व ज्यादा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पूजन का विधान है। दरअसल गुरु की पूजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी कृपा से ही व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। गुरु के आशीर्वाद से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुराने समय में गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन कर अपने गुरु की पूजा अर्चना करते थे। आज की पीढ़ी भी इसी परंपरा के साथ है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा अंधविश्वास के आधार पर नहीं बल्कि श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। सिख धर्म में इस पर्व का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सिख इतिहास में उनके 10 गुरुओं का विशेष महत्व रहा है। देखा जाए तो बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान का संतुलन ही शिक्षा है। चाहे राजा का पुत्र हो या फिर रंक का बेटा, शिक्षा का अधिकार सभी का है। आज की शिक्षा पूरी तरह से सूचना तंत्र पर निर्भर होती जा रही है। मात्र सूचना को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। आज की शिक्षा रोजगार तो दे रही है, लेकिन हमारा देश जिस ज्ञान के लिए जाना जाता था वो कहीं खोता जा रहा है। आज शिक्षा पर कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की जरूरत महसूस की जा रही है। जब देश के प्रधानमंत्री स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं तो गुरुओं की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। डेस्क DNN। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद।
तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला अगर कोई है हमारे जीवन में तो वो हमारे गुरु होते हैं। बचपन से हम यही शिक्षा लेते हैं, हमारे संस्कारों में है। आध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान का संगम है हमारा देश, और हमारे देश में हमेशा से ही गुरुओं को एक उचित सम्मान दिया गया और उचित स्थान भी दिया गया। गुरु की परंपरा, गुरु की महिमा, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मेहमान हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अंजना गुप्ता, डॉक्टर रमेश शर्मा जी मीडिया सलाहकार हैं, और हमारे साथ हैं पवन गुरु योगाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंजना जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये कि हमारी जो माँ होती है वो सबसे पहली गुरु होती है। हमारे देश में माँ को गुरु का स्थान भी दिया गया, भगवान का भी स्थान दिया गया। इस पूरी सृष्टि से, इस पूरी दुनिया से अगर कोई परिचय कराता है हमारा, तो वो हमारी माँ होती है, और माँ की गोद को ही पहली पाठशाला कहा गया। क्या कहेंगे आप जी? माता, पिता और वेद, ये तीन ही मुख्य गुरु हैं, ऐसा माना गया है हमारी संस्कृति में। तो माता से जो अग्नि है और पिता से दक्षिण अग्नि बोली जाती है, और एक आवाहनी अग्नि गुरु को माना जाता है। इस तरह तीन अग्नि की बात की गई है, और इसमें से मध्य लोक और यह लोक और इंद्र लोक, हमारा इंद्र लोक गुरु से ठीक होता है, मध्य लोक माँ से ठीक होता है, और यह लोक के लिए जिससे मोक्ष की बात कही जाती है पिता के द्वारा होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत बेसिक रही हैं, और यही हमारे आधार गुरु की रही हैं। अब बात माँ की हो रही है तो हम ये कह रहे हैं कि गुरु तो कोई भी हो सकता है, पर चूंकि माँ हमारे सबसे पहले, देखिए, हृदय ही बनता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि माँ का, अगर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो कर्क राशि में उच्च का गुरु होता है जी। तो क्यों होता है? क्योंकि वो हृदय जहाँ निश्चल हो, जहाँ कोई स्वार्थ ना हो, वहाँ गुरु उच्च का हो जाता है। और उसमें भी पांच अंश पे ही गुरु क्यों उच्च का होता है, इसका भी रहस्य है कि जितना ज़्यादा माँ बच्चे के साथ, बच्चे जैसी रहेगी, उतना ज़्यादा वो बच्चा उसके साथ होता है। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसका चेहरा देख देख के बच्चा दूध पीता है। उसका कारण यही होता है कि उसका वात्सल इतना प्योर होता है कि बच्चा अपनी माँ को बस पहचानता है। अगर वो नहीं देखता है तो रोता है, उसे उस समय माँ की जो अनुभूति होती है वो इस तरह से होती है। जैसे कहते हैं कि धरती को भी मघा की प्यास है, क्योंकि धरती जब तक प्यासी रहती जब तक कि मघा के बादल नहीं बरसते हैं। इसी तो तरह पहली गुरु जो होती है हर इंसान के लिए, वो उसकी माँ होती है। रमेश शर्मा जी से हम जान लेते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा जो आती है, ये आषाढ़ की पूर्णिमा में ही आती है, इसके पीछे क्या राज है, और जो हमारी गुरु परंपरा है ये कब से इसकी शुरुआत हुई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारत में गुरु परंपरा का जिक्र लगभग हर ग्रंथ में मिलता है। वेद में हालांकि गुरु की महिमा है, गुरु को कैसा होना चाहिए वो सारा वर्णन है कि उसको वाचस्पति हो, वो तो वो पशुपति हो, वाचस्पति हो, ये सारा वेद में है। लेकिन पूजन का जिक्र गुरु का उपनिषदों में मिलता है। पहली बार जो अद्वैताकार उपनिषद है उसमें आया है कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु का विधिवत पूजन का फिर काष्ठ उपनिषद में आया है, निरुक्त में आया है, तो ये सारा वर्णन मिलता है। दूसरा एक सवाल जो आता, आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? तो मोटे तौर पर कोई भी एक तिथि होती है उसके पीछे कई उसके कारण होते हैं। एक तो ये माना जाता है कि व्यास जी की जन्मतिथि भी है, आदि शंकराचार्य जी की भी जन्मतिथि है। इसके अलावा यही वो दिन है जब भगवान शिव ने परशुराम जी को अपना शिष्य स्वीकार किया था। आषाढ़ की पूर्णिमा को उन्होंने 2 वर्ष तक तपस्या की थी। ये सवाल उठ सकता था कि भगवान शिव जो है किसी और पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को या शरद पूर्णिमा को भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन आषाढ़ की पूर्णिमा पूरे साल की 12 पूर्णिमाओं में ऐसी पूर्णिमा होती है जो कृत्रिम अंधकार से चांद ढका रहता है, बादलों में ढका रहता है। तो ये माना जाता है प्रत्येक मनुष्य जो है उसके भीतर जो आत्मा होती है वो आत्मा ज्ञान का प्रकाश होती है, लेकिन कृत्रिम ज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण उसका ज्ञान ढका रहता है। तो जिस तरीके से आषाढ़ की पूर्णिमा को बादल ढक देते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार का ज्ञान, उसकी आसक्तियाँ और जो दूसरे भाव हैं उसके ज्ञान को ढक लेते हैं। तो गुरु को ये चाहिए सारा उसका अज्ञान दूर करके उसको अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाने का, जो कि गु उसमें जो गा में छोटी की मात्रा आती है, जो गु संस्कृत की धातु है, उस अंधकार, और रू होती है प्रकाश की यात्रा, तो अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराए, इसका एक इसमें महत्व आता है।
और गुरु के लिए अब ये बंधन भी नहीं है। एक और बात खास तौर से हमारे यहाँ गुरु के लिए आई है, निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा, हम तो गुरु को ब्रह्मा और विष्णु और महेश्वर उसको मान सकते हैं, लेकिन गुरु के अंदर भी ये सारी क्वालिटियाँ होना चाहिए। ऐसे उदाहरण हैं हमारे पुराणों में कि यदि गुरु से कोई शिष्य को परमात्मा मिल गया तो शिष्य स्वर्ग में गया है, और गुरु अगर मार्ग पर भटका है तो गुरु नर्क में गया है। ऐसे उदाहरण हमारे पुराणों में हैं। हम गुरु हमारे कैसे होने चाहिए इस पर हम चर्चा आगे अभी करेंगे। पवन गुरु से हम जान लेते हैं कि गुरु जो शब्द है छोटा सा दो अक्षरों का है, लेकिन इसमें विशाल चीजें समाई हुई हैं, विशाल किरदार समाया हुआ है गुरु के अंदर, सारी सृष्टि समाई हुई है इस गुरु के अंदर। गुरु की महिमा को और इस गुरु के शब्द को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए, आज हम जिस मुकाम पे आकर बैठे हैं, अगर हमें गुरु का मार्गदर्शन ना मिलता, चाहे गुरु हमारी माँ हो, गुरु हमारे पिताजी हो, गुरु हमारे बड़े भाई हो, गुरु हमारी बहन हो, या जो भी हैं हमसे उम्र में छोटे बड़े, जिन्होंने भी हमको मार्गदर्शन दिया है वो गुरु के काबिल माने जाते हैं, जिनसे हमने ज्ञान को सीखा है। क्योंकि हम जो कुछ लिया है या आगे जो पाएंगे, जब तक हमारा मार्गदर्शन हमको अच्छा नहीं मिलेगा, हम सही राह पे आ नहीं सकते। तो गुरु के अंदर, और जो गुरु शब्द है, गुरु और एक सड़क की तुलना करी जाती है कि दोनों एक ही जगह रहते हैं और उनके शिष्य आगे पहुंच जाते हैं, तो गुरु तो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन देते हैं उसको अगर हमें जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को गुरु को अपनाना चाहिए और जो मार्गदर्शन मिलता है उसको हमें जरूर लेना चाहिए। जी, तो गुरु मार्गदर्शन देते हैं तभी हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं, और इस जीवन को खुशहाल बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अंजना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम अपने गुरु का चुनाव किस तरह से करें, क्या चीज हम ऐसे देखें कि हमें लगे कि यही हमारे सही गुरु हैं? देखिए, जैसे 9 ग्रह हैं वैसे 9 तरह के हम गुरुओं की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष जिस प्रकार से हमें एक संदेश देता है एकत्र होकर बरसात में, वैसे ही हम गुरु की कल्पना कर सकते हैं कि गुरु का जो पूरा स्ट्रेंथ है विस्तार का है, आपको विस्तार कराए जो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है इसके लिए समझना होगा। हम 9 गुरुओं की बात 9 ग्रह से इसलिए कर रहे हैं कि आज युवा वर्ग कहता हम कौन सा गुरु माने, किसको गुरु माने, हमने इनसे भी कुछ सीखा उनसे भी। देखिए, एक जो पढ़ाई होती है वो सरस्वती जी हैं, पर अगर हम काली जी की बात कर रहे हैं तो विस्तार है वहाँ पे। तो ये वाले जो गुरु वाली बात हो रही है उसकी बात यहाँ पे हो रही होती है कि हम विस्तार कैसे कर रहे हैं। तो जैसे जिसने भी बच्चों आपको अगर विस्तार के बारे में बताया है, आपके आत्मविश्वास के बारे में बताया है, वो सूर्य से संबंधित गुरु हो सकते हैं। जिनने आपको पालन पोषण करना सिखाया है वो चंद्रमा से संबंधित गुरु हैं। तीसरे होते हैं जो आपकी एनर्जी को सही दिशा में ले जाए, वो मंगल से प्रधान गुरु होते हैं। जो आपको बोलना सिखाए और सही और मीठा बोलना सिखाए वो बुध प्रधान गुरु होंगे। जो आपको विस्तार के बारे में साथ साथ आपको बताएं कि आपने जो शिक्षा ली है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि उसको सहज के। आज जो निगेटिविटी हो रही है ना, हमारे गुरुओं की जो चीज़ें हैं धरोहर है वो मिल नहीं रही हैं, इसलिए आजकल नासा और ये जो विज्ञान है इनने हमारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया है और हमारी चीज़ें दूसरी जगह चली गई। तो इसे ज्ञान को छिपाएं नहीं और बताएं। शुक्र भी एक गुरु है, मानिए वो आपके आंतरिक चीजों को बताएगा, अंदर के बारे में आपका उत्थान करेगा। इसी तरह शनि देव गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के बारे में हम आपसे बात करेंगे। रमेश शर्मा जी से हम जान लेते हैं कि गुरुकुल की जो परंपरा है ये कब से शुरू हुई, और जो हमारे ये जो 4 महीने होते हैं ये गुरुकुल के लिए बहुत खास हुआ करते थे, अब इस समय आज के समय में इनका क्या महत्व है? देखिए, भारत में हम जितना पीछे चलते चले जाएं हमको वहां पर गुरु परंपरा मिलती है, और गुरुओं के गुरु देवाधिदेव शिव को माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर आप अपने किसी भी गुरु की पूजन करें वो पूजन शिव तक जाती है, ऐसा इसको माना गया है। ये 4 महीने इसलिए खास तौर से चतुर्मास गुरु एक स्थान पर करते थे, और ताकि उस स्थान पर उनके सारे शिष्य आकर के वो पूरी दिनचर्या को सीखते थे। ये 4 महीने ऋतुओं के हिसाब से, शरीर के संवर्धन के हिसाब से, मानसिक उन्नयन के हिसाब से, बौद्धिक उन्नयन के हिसाब से अभ्यास अगर इन 4 महीनों में करते हैं तो उसका कई गुना आपको लाभ मिलता है। मौसम का हमारे शारीरिक और मानसिक जी स्थिति तो पर भी बहुत असर होता जी है। जी हाँ, ये जो मौसम का जो असर होगा, इसमें आप मान लीजिए अगर भोजन भी आप अगर कर रहे हैं
मौसम में, वो आपको ज़्यादा उसके अंदर जो मिनरल्स विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा देता है। ठीक उसी प्रकार आपकी प्रज्ञा शक्ति अतिरिक्त प्रज्वलित होती है, तो इसलिए गुरु का इन चतुर्मास में ताकि वो साधना करके अपनी शक्ति अर्जित करे और शिष्य को दे। मोटे तौर पर तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है, स्वयं प्रकाश मिलता है, एक परम प्रकाश मिलता है और एक परता प्रकाश मिलता है। गुरु को ये कहा गया है स्वयं प्रकाश, व्यक्ति के भीतर की जो क्षमता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो दक्षता है, उसको उभारता है। यहाँ एक तीन चीज़ में आपको अंतर समझना होगा, आचार्य में, गुरु में और सद्गुरु में। आचार्य वो होता है जो निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर उसको पढ़ाता है, गुरु वो होता है जो आपकी पर्सनैलिटी के अंतर्गत आपकी विशेषताओं को देख करके आपको डेवलप करता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप व्यापारी बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, आपके अंदर खोज करके उस दिशा में ले जाता है, वो गुरु है। फिर इन दोनों प्रकार के ज्ञानों को लेकर के जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से आपको जोड़ता है, आध्यात्म का अर्थ केवल परमात्मा भर नहीं है, आध्यात्म का अर्थ आपके यहाँ पूरा मन को, बुद्धि को, आत्मा को, चेतना को, इस चीज़ों को समझना। विज्ञान केवल इंद्रियों तक सीमित रहता है, आध्यात्म चेतना पर भी काम करता है, आत्मा पर भी करता है, बुद्धि पर भी करता है, प्राण शक्ति पर भी करता है। उसका ज्ञान करके, उन सबको तालमेल करा करके आपको जो परम शिखर पर ले जाता है, किसी शीर्ष पर ले जाता है, वहाँ पर उसको सद्गुरु कहा जाता है। तो इन चार महीने में वो साधना करता है, अध्ययन करता है और अपने शिष्यों को प्रदान करता है। इसमें एक बात और मैं संगीता जी जोड़ना चाहता हूँ, संसार में कोई गुरु किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, सीखने की क्षमता बच्चे में खुद होना चाहिए। उसका एक उदाहरण देता हूँ, एक लव्य ने देख करके सीख लिया था, जबकि कृष्ण जैसे गुरु, परशुराम जैसे गुरु दुर्योधन को नहीं समझा पाए, सिखा पाए थे खुद भी। तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को खुद भी अपनी कैपेसिटी समझना चाहिए, अपनी प्रतिभा समझना चाहिए, और जो उसके अंदर अपनी क्वालिटी है उसके आधार पर उसको टीचर की तलाश करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई वकील आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बॉटनी का प्रोफेसर आपको नहीं बना सकता। इसलिए हमारे यहाँ एक से अधिक गुरु की परंपरा है। राम के चार गुरु थे, परशुराम जी के सात गुरु थे, दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे। तो दत्तात्रेय जी ने चलते चलते मधुमक्खी से भी सीखा है, उन्होंने कुत्ते से भी सीखा है। तो गुरु पर पूर्णिमा आपको जो हमें कुछ सिखाए वही हमारा गुरु हो जाता है, आपको सीखना है। हम गुरु महिमा और गुरु परंपरा को लेकर के चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ससुराल वालों ने भगा दिया था, मतलब एक तरह का घर से निकाल दिया था। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। 1.5 साल ईट ढोई अपने माथे पर रख रख के मजदूरी करती हूँ, उसमें भी 100-150 रुपये कमाती हूँ। अब एक माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, थोड़ा तकलीफ तो होती है ना। मेरे परिचित भैया ने बताया कि दीदी आप स्वरोजगार योजना से आप ये रिक्शा ले सकती हो। तो मेरे मन में यही ख्याल आया, मैं इस ई रिक्शा से मैं भी 400-500 रुपये रोज कमाऊँगी, तो मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे बच्चों का अच्छे से अच्छे भरण पोषण करूँगी मैं। तो उनने बोला ठीक है दीदी आप मेरे साथ चलिए, बोले हम माम भरिए, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वाला ई रिक्शा दिलवा देते हैं। मेरा फार्म सिलेक्ट हो गया। फिर मेरे पास में भैया की खबर आई कि दीदी लाल परेड ग्राउंड में शिवराज सिंह चौहान भैया यहाँ पे आए हैं, मेरे साथ साथ कई महिलाओं के लिए उनने चाबी दी। मेरे मुख्यमंत्री भाई साहब जी जैसे मंच से नीचे आए और मेरे को देखा कि मेरी बहन एक ई रिक्शा चला रही है, मेरे ई रिक्शा में वो बैठे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का। हम जितनी सारी गरीब मजदूर महिलाओं के लिए वो खड़े उतारू होते हैं, उसमें मुझे इतना गर्व होता है, इतना गर्व होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इससे मेरा भाग्य उज्जवल हुआ, मेरे बच्चों को भविष्य बनाना में मुझे एक हिम्मत मिली, मुझे एक ताकत मिली, एक ऊर्जा मिली मुझे। मेरे भाई ने अब सर पर हाथ रख दिया, मेरे बड़े भाई ने, तो मेरे बच्चों का तो जीवन बेसी उज्जवल हो ही जाएगा, मेरा भी हो गया साथ साथ। 1800-121-8030 पर मिस्ड कॉल लगाएं और अपने अधिकारों की पूरी जानकारी पाएं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना।
के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खास कार्यक्रम आज हमारा गुरु पूर्णिमा पर है, गुरु परंपरा पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन गुरु, आपसे हम सवाल करेंगे कि अभी अभी रमेश शर्मा जी ने बताया कि गुरु को हम कैसे चुने और ये कैसे जाने कि जो शिष्य है वो हमारी शिक्षा लेने लायक है या नहीं है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं इनकी इस बात से? देखिए, ये इनकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ जी, लेकिन आजकल जो शिष्य हैं उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है। वो सोचते हैं कि एकदम से गुरु से मिलें और सब कुछ हमको मिल जाए। तो गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है और शिष्य को भी अच्छे गुरु की तलाश के लिए थोड़ा पेशेंस रखना है और जहाँ भी बनना चाहता है या जो चीज़ पाना चाहता है उसके विशेषज्ञ से जाके संपर्क करें और उनसे ज्ञान आधारित करें तो फिर आगे बढ़ सकता है। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पेशेंस तो 0% हो चुका है, उससे आजकल जो दूसरी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, गुस्सा, और हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि अपराध होते जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये आज का जो जीवन है हमारा, इस तरह की समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक हैं जी। क्या गुरु इसमें कोई अहम भूमिका निभा सकता है कि बच्चे को अकेलेपन से, डिप्रेशन से निकाले या उसकी जितनी भी तरह की चिंताएं, परेशानियां, क्या गुरु इस भूमिका को निभा पा रहे हैं आज के समय में? नहीं, आजकल के समय में निभा नहीं पा रहे हैं कि जो माँ बाप भी हैं वो बच्चों को गुरु के पास लेके जब जाते हैं जब बच्चा बीमार हो जाता है। शुरुआत से उसको अगर डालें कि हमको एक गुरु के मार्गदर्शन में जाना है, कुछ सीखना है, वो हमको डांटें तो भी हमको सहन करना है। आजकल उल्टा हो गया कि थोड़ा सा ही बच्चे को डांट दिया आपने या माँ बाप को बोल दिया तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं, सहन करने की शक्ति कम नहीं, उनके पास आजकल सुविधाएं सारी हो चुकी हैं, पैसा भरपूर है उनके पास, तो वो लगते हैं कि हम इनके सामने क्यों झुकें, ये शिक्षा नहीं दे रहे तो हम दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरे के पास जाएंगे, और आखिरी में जाके क्या होता है कि वो पूरे अपने परिवार में प्रैक्टिकल करके भारी लास्ट में आके बैठ जाते हैं। ऐसा क्या होता था पहले के समय में कि बच्चों में ये इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी जो आज के समय में देखने को मिल रही है? इस तरह की उदंडता, इस तरह की असहनशीलता, पहले हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। माँ बाप भी हमको काफी समय देते थे, गुरु भी समय देते थे, और गुरु अगर डांटते भी थे तो माँ बाप उन्हीं का पक्ष लेते थे कि तुमको सही शिक्षा मिल रही है। लेकिन आजकल तो कालम खत्म हो चुका है, पेशेंस पूरा खत्म हो चुका है, और सारी सुविधा ऑनलाइन हमको जो मिल रही हैं उस ऑनलाइन सुविधा से भी हमारे में पेशेंस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें हम चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं। अभी भी हम बच्चों को एक रूटीन में लाएं कि आजकल माँ बाप क्या करते हैं कि जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है तब वहाँ की शिक्षा देने वाले भेजते हैं कि साहब एक महीने की छुट्टी है, दो महीने की छुट्टी है। अगर साल भर ही कर दें कि हफ्ते में 5 दिन या 2 दिन आपको कोई गुरु के पास जाके शिक्षा लेनी, जाके बैठ के आ जाओ, कुछ मत लो, तो जिस तरह से बच्चों का आजकल जीवन शुरू होता है सुबह से लेके शाम तक, वो ज्यादातर समय तो अपने गुरु के पास रहते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद कुछ अदर क्लासेस हैं, तो पूरे समय जितने तो गुरु के सानिध्य में ज्यादा रह रहे हैं गुरु के सानिध्य में। ये जितने हैं ये सब वो एक प्रकार से गुरु वो हैं जो उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए, लेकिन उसके साथ उनको पेशेंस, पॉजिटिव थॉट, समर्पण, ये वाले गुरु उनके पास नहीं है। आप उनके माँ बाप से पूछिए कि ऐसी शिक्षा कहीं दे रहे हैं, वो कहेंगे हम साल दो साल में फलाने गुरु के पास एक दिन के लिए ले गए। आप जैसे रोज उनको ट्यूशन के लिए समय दे रहे हैं हफ्ते में 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, ऐसे हफ्ते में एक दिन आप फिक्स करिए कि ये फलाने गुरु के पास जाके कुछ मत करो, बैठ के आ जाओ, बैठना तो सीखो कम से कम। वो नहीं हो पा रहा है, हम कंप्यूटर पर घंटों बैठे हैं, कंप्यूटर से हटे तो मोबाइल पर बैठ जाते हैं, मोबाइल से हटे तो टीवी पर बैठ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास भी समय है, हमारे बच्चों के पास भी समय है, लेकिन यहाँ शिक्षा की बात आती है, सीखने की बात आती है। माँ बाप बोल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे बच्चों के पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी हो गई है अजना जी। और गूगल गुरु जो है आजकल सबसे बड़े गुरु बने हुए हैं, कुछ भी सीखना है, कुछ भी देखना है, कुछ भी पढ़ना लिखना है तो गूगल गुरु हर समय उपलब्ध होते हैं। कितना नुकसान या कितना फायदा दे पा रहे हैं गूगल गुरु आज के बच्चों को? बिल्कुल वही मैं बोलने वाली थी, शुक्र से संबंधित जो गुरु हो रहा है आजकल, टेक्निकल क्षेत्र जुड़ गया है चूंकि, तो आजकल गूगल गुरु के कारण से लोग बाग इतने कंफ्यूज हैं कि किसी ने यूट्यूब में ये बताया, किसी ने वो बताया, अब वो जो ज्ञान है वो तो एक वैसा नहीं है ना फेस टू फेस वाला,
ज्ञान हमेशा फेस टू फेस वाला होना चाहिए, वही ज्ञान सही होता है। आजकल ये गूगल गुरु तुला राशि का गुरु जब से आया है बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गए हैं और आज इसको व्यवसायीकरण हो गया, व्यवसाय हो रहा है इससे। एक्चुअली में ज्ञान नहीं हो रहा है, इसमें व्यवसाय जुड़ा हुआ है। देखिए तीन तरह के जो हमारे संबंध होते हैं उन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक सहज होते हैं जैसे माता पिता, ये सब एक सहज संबंध होते हैं। एक हम अर्जित करते हैं जैसे पत्नी हो गई, बच्चे हो गए। एक होते हैं हमारा एक ऐसा जैसे गुरु से या किसी परमात्मा से संबंध। तो हमको लगता है विदेश में भी गए तो वहाँ कृष्ण जी को परम गुरु माना उन लोगों ने और उनकी ही पूजा और आराधना की जाती है। तो कृष्ण जी के जो उपदेश हैं वो गुरु वाले उपदेश हैं और सारे तरह के गुरुओं का मिश्रण है उनके अंदर। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि माँ के द्वारा जो बच्चा बन के संस्कार में आ रहा है वही बच्चा आज एक अच्छे इंसान के रूप में है, ना कि अच्छे इंसान के रूप में अगर चाहिए तो। और गूगल गुरु से हम कुछ अच्छी चीजें भी ले सकते हैं, ना कि हम उसका दुरुपयोग करें। रमेश शर्मा जी, आपसे हम चलते चलते ये जान लेते हैं कि आज का जो ज्ञान है सूचना तंत्र पर आधारित है। जितने भी बाबा और गुरुओं की जो अलग गुरु तो नहीं कहेंगे हम उनको, वो शब्द गुरु उनके लिए ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हमें जिस तरह की खबरें मिलती हैं, लोग उन्हें गुरु मानते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी होते हैं, लेकिन जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं मानसिक रूप से जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए। क्या कहेंगे आप, पत्रकार भी हैं आप। आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं गरिमा में गिरावट तो आई है। यदि जैसा कि पवन जी ने कहा कि शिष्य परंपरा में भी अगर गिरावट आई है, माँ बाप जो ढंग से नहीं भेज पा रहे हैं ये बात भी गिरावट आई है, गुरु की गरिमा में भी गिरावट आई है। गुरु उसको कहा गया है जो वेद निपुण हो, जो वेदज्ञ हो। अगर कोई वेदज्ञ नहीं है तो उसको गुरु का दर्जा नहीं है। उसका एक कारण है कि चूंकि गुरु के पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होता है, जो शारीरिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, तो ये चीज़ों का नहीं है। एक व्यवसायीकरण हो गया है, जैसा कि अंजना जी ने कहा है, व्यवसायीकरण हो गया है और सारा का सारा प्रदर्शन का भाव उसमें ज्यादा आ गया है। अंधभक्ति जिस तरह से गुरुओं के लिए हो गई है लोगों की, वो क्या उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरह की मानसिकता है? देखिए गलत चीजें आ रही है सामने, उसके बाद भी उनकी आस्था खत्म नहीं हो रही है। वो यहाँ आस्था कुछ नहीं है, यहाँ व्यक्ति अब इंसान भी इतना स्वार्थी हो गया है, वो गुरु के पास जाता है तो अपनी मनोती के लिए जाता है और एक नरियल उनको चढ़ा करके कुछ ना कुछ उनसे प्रार्थना करता है तो मुझे ये मिल जाए। भगवान जी के मंदिर में भी वो मनोती के लिए जाता है। तो आज शिष्य भी जो है वो स्वार्थी हो गया, वो स्वार्थ के कारण जुड़ता है। कई बार वो गुरु का ग्लैमर को देख करके जुड़ता है, कई बार वो गुरु के आशीर्वाद के कारण जुड़ता है। वो गुरु के पास ज्ञान लेने कोई शिष्य नहीं जा रहा है, ग्लैमर पर ना जाए, गुरु के आशीर्वाद के लिए जाए उनके पास, उनसे अच्छी सीख ले। गुरु की महिमा और गुरु परंपरा पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े डॉक्टर अंजना गुप्ता एस्ट्रोलॉजर, पंडित रमेश शर्मा जी मीडिया संपादक और पवन गुरु जी योगाचार्य, आप सभी का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुरु जो हमें सीख दे जाए, गुरु जो हमें मार्गदर्शन दे जाए, गुरु जो हमारे ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान की रोशनी से रोशन कर जाए हमारे जीवन को, गुरु परंपरा गुरु पूर्णिमा पर आज खास कार्यक्रम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए TNN के साथ, नमस्कार। के लागू